नमस्कार, आप देख रहे हैं नागो न्यूज़ भारत। खबरों के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपखंड कुचान में हो रहे वैक्सीनेशन के ड्राई रन का निरीक्षण बुधवार को उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट द्वारा किया गया। उपखंड कुचामन में कुल 12 जगहों पर 19 सेशन साइट बनाई गई है। एक सेशन साइट पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। उपखंड कुचान में राजकीय उप जिला चिकित्सालय में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के तहत ड्राई रन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की तथा पीएमओ कुचामन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए की गई तैयारी की संपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में निरीक्षण किया। इसको डाउनलोड है सर। आज जैसे 20 की लिस्ट थी अपने पास में, तो उसमें से 18 लोग आए। 18 लोगों का आपने इसको एक बार वो मैसेज दिखा दो ना सर को, है ना। एक दिखाई दो सर को। अब अच्छा, आधा घंटे के लिए कोई यहाँ पे जैसे वो आधा घंटा बैठने का, हाँ, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कई जगह जैसे कह रहे साहब हम एक दिन के लिए वो लगा देंगे, एलईडी लगा देंगे, तो बैठ के समाचार देख लिए कुछ ऐसा ऐसी अब ये कमरा वो है, इधर अपन ने बेड लगा रखे हैं सर। अच्छा, इधर अपन ने अगर कोई मौसम में ऐसे आधा घंटा बैठना मुश्किल रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो तो अपन कर सकते हैं। टॉयलेट वगैरह तो इधर से, हां टॉयलेट सही इधर ठीक है। और नहीं, वो टीवी में ऐसा होता ना कि पहले एक ही चलाने की, चलो ठीक है एक बजे चलेंगे, या फिर 1 by 1, 1, 2, 3 आप ऐसे भी कर सकते हैं अपन, एक एक को दो में ठीक है। यदि इसमें कुचामन ब्लॉक की बात करें तो कुचामन ब्लॉक में कुल 12 लोकेशन है। 12 लोकेशन पे 19 सेशन साइट हैं, जिनके अंदर हमारी 6 जो है वो प्राइवेट सेशन साइट है 3 लोकेशन पे। टोटल जो कुचामन में, कुचामन की बात कर रहा हूँ, कुचामन तहसील की जो बेनिफिशरी है वो 1446 है। एक सेशन साइट में 100 तक का एक दिन में टीके लगाने हैं, उसी के हिसाब से तैयारी की गई है। जैसे आज मैंने जिलिया चेक किया, जिलिया में 2 सेशन साइट हैं और वहाँ भी काफ़ी बढ़िया व्यवस्थाएँ थी। यहाँ पे पीएमओ कुचामन में 3 सेशन साइट है, यहाँ 278 बेनिफिशरीज हैं, तो ये 3 सेशन साइट के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। वही कुचामन शहर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई। कुचामन नगर पालिका क्षेत्र के कुल 45 वार्डो के चुनाव 28 जनवरी को संपन्न हो रहे हैं, जिसको लेकर बुधवार को कुचामन नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 व 15 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने अपने नाम का नामांकन पत्र दाखिल किए। बता दें वार्ड संख्या 15 से चुनाव लड़ रही संजना बुगालिया पुत्री परभुराम बुगालिया की जो पुत्री है, जिन्होंने वार्ड संख्या 15 से अपना नामांकन पत्र सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट को सौंपा। गौरतलब है कि दोनों ही वार्ड 14 व 15 कांग्रेस की मजबूत पकड़ बताई जा रही है, जिसको लेकर वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता परभुराम बुगालिया की बेटी संजना बुगालिया पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में है। इस वार्ड से युवा चेहरा है और परभुराम बुगालिया का इस वार्ड में अच्छा वर्चस्व माना जाता है। बुधवार को कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए। उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने बताया कि 11 जनवरी से 15 जनवरी तक नाम निर्देशन पत्र जमा कराने का समय है। पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपखंड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
23 वार्ड है। 23 वार्ड है। 23